नमस्कार, मैं नम्रता शुक्ला, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जलवायु स्मार्ट कृषि एवं जैविक कृषि पर किसानों को दिया गया प्रशिक्षण। आज हरितिका संस्था बिजावर द्वारा कम्युनिटी हॉल बिजावर में सतत जैविक कृषि एवं जैविक वानिकी तथा जलवायु स्मार्ट कृषि पर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में बिजावर विकासखंड एवं बक्सवाहा विकासखंड के विभिन्न ग्रामों से महिला तथा पुरुष कृषकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में बुंदेलखंड में हो रहे जलवायु परिवर्तन, किसानों पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव तथा उन प्रभाव को कम करते हुए खेती से अधिक उत्पादन तथा आय में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में संस्था द्वारा चलाए जा रहे VNV एडवाइजरी कार्यक्रम के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों के विषय में भी प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री अखिलेश उपाध्याय, CEO जनपद पंचायत बिजावर, SDO कृषि, श्री BP सूत्रकार, वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री AK तिवारी, SEDO श्री अभिलाषा पटेल, मनरेगा APO श्री संदीप मिश्रा, उद्यानिकी अधिकारी श्री KP पुट्ठे, आजीविका मिशन से श्री कृष्ण कुमार नायक, मोहम्मद शहजाद खान, श्री मुकेश मिश्रा, हरितिका संस्था की तरफ से परियोजना समन्वयक श्री संदीप खरे, श्री ब्रजकिशोर कुशवाहा, हरीश चंद्र अहिरवाल, सुनील पाठक, राजू यादव, पंकज दुबे, मलखान सेन, ब्रजेंद्र अहिरवाल मौजूद रहे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में हरितिका संस्था द्वारा मृदा में कार्बन तत्व बढ़ाने हेतु कृषि वानिकी तथा जैविक कृषि के लिए चलाए जा रहे परियोजना के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारी गणों ने अपने विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम की जानकारी प्रदान की, जिससे कृषि बंधु एवं समूह से जुड़ी महिला किसानों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। आजकल हम हर कार्यक्रम में बता रहे हैं कि वर्तमान में पानी की काफ़ी समस्या है। बहुत कम पानी हमारे किसानों के पास है। जितना पानी हमारे पास है उसी हिसाब से हमें फसलों को लगाना है। कम पानी वाली फसलें हमें लगाना है, जिसमें चना और सरसों हमारे क्षेत्र में, मैंने काफ़ी लोगों ने